नमस्कार दोस्तों आज एक अनफॉर्चुनेट न्यूज के ऊपर डिस्कशन होगा अब तक तो आपने सुना ही होगा अरुणाचल प्रदेश में जो अवलांच हुआ था जिसमें हमारा सात ब्रेव सोल्जियस मिसिंग थे उन सातों का बॉडीज रिकवर हुआ है मे दोर्स रेस्ट इन पीस बींग एन एक्स मैन मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज था तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में रीजन फॉर अवलांच क्या क्या है वॉट आर द टाइप्स ऑफ अवलांच एंड कुछ रीसेंट इंस्टेंसेस ऑफ अवलांच भी हम डिस्कस करेंगे वैसे एक कांड हुआ था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आर्मी ने एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी लॉन्च किया था पर डिस्पेट दिन वैसे वो एरिया 14,500 फीट एरियाट्यूड में लोकेटेड है और वो एरिया में कुछ दिनों से इंक्लीमेंट वेदर विथ हेवी स्नोफॉल भी रिपोर्ट हो रहा था अब उस एरिया के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स इंडियन आर्मी अरुणाचल प्रदेश को दो भागों में डिबेट किया है वेस्टर्न साइड में कामेंग एरिया एंड ईस्टर्न साइड में रेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड हैंडल करता है 1346 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंक्लूडिंग सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश इस कमांड का थ्री कॉप्स है एक थर्टी थ्री कॉप्स सिक्किम में फोर कॉप्स कामेंग सेक्टर में एंड थ्री कॉप्स रेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश में ये पूरे जो कॉप्स है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हैंडल करते हैं वैसे इंडिया का बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी इधर काफी फोकस करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में एंड काफी सारे करने में। ये का है, आप देख लीजिए में किया है, sector, sector, ये अरुणाचल प्रदेश आता है ये जो दोनों एरिया में बेसिकली इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड जो है आप कुछ रीसेंट इंस्टेंसेस चेक करते हैं लास्ट ईयर जुलाई में एक सिमिलर इंसिडेंट में एक सोल्जर का डेथ हुआ था अवलांश की वजह से सेम एरिया में फिर अक्टूबर में पांच नेवी पर्सनल का डेथ हुआ था उत्तराखंड में माउंट त्रिशूल के दौरान वो भी अवलांच की वजह से था इनके भी बॉडी बाद में रिकवर किए थे वैसे फेब्रवरी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को ये इन्फॉर्म किया था सियाचिन ग्लेशियर में 2019 में अवलांस एंड स्नो स्लाइड्स की वजह से एटलीस्ट सिक्स आर्मी पर्सनल हाथ डाइट In तो अवलांच की वजह से या फिर स्नो स्लाइड्स की वजह से काफी सारे जवानों का डेथ रिपोर्ट हुआ है, कुछ ये, अब दोस्तों, का मतलब क्या होता है? ये फ्लो ऑफ स्नो डाउन ए माउंटेन देखिए एक स्नो माउंटेन से जब स्नो जो है नीचे की तरफ एक साथ आते हैं इसे आप अवलांश बोल सकते हो वैसे रॉक स्लाइड्स डेबरी फ्लो इसे भी आप अवलांच बोल सकते हो मेरा कहने का मतलब है स्नो ही होना कोई जरूरी नहीं है अवलाज कैन बी सेट ऑफ स्पॉन्टेनियसली देखिए स्पॉन्टेनियसली होता है इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकता है एक फैक्टर यह है इंक्रीज प्रेसिपिटेशन ज़्यादा बारिश होने से हो सकता है स्नोपैक वीकन होने से हो सकता है एंड एक्सटर्नल मीन से भी हो सकता है मतलब देखिए Humans की वजह से एनिमल्स की वजह से एथक्विक की वजह से ऐसे भी अवलांश हो सकते हैं मतलब अगर कोई वीक स्नो पैक के ऊपर कोई पैर रख दिया तो वो एक साथ नीचे आने का चांस है कोई एनिमल्स ने पैर रख दिया उनकी वेट की वजह से स्नो पैक नीचे आने की चांस है एर्थक्विक होने से स्नो पैक नीचे की तरफ आने की चांस है ग्रेविटी की वजह से वैसे avalanche प्राइमरली कंपोज ऑफ फ्लोइंग स्नो एंड एयर Large avalanche द कैपेबिलिटी टू कैप्चर एंड मूव आइस रॉक्स एंड ट्रीज ऑफिस दोस्तों जब इतने सारे स्नो एक साथ नीचे आएंगे सो दे मस्ट भी कैपेबल टू कैप्चर एंड मूव आइस रॉक्स ट्रीस एक्सेट्रा ठीक है मतलब उनके रास्ते में जितना कुछ चीजें आएगा वो सबको लेते हुए ये नीचे की तरफ आएगा तो ये लार्ज नंबर ऑफ टेक प्लेस आफ्टर अवलांचेस देखिए कैशुअलिटीज तो होगा ही दोस्तों इतने इतने स्नो जो है हाई डेंसिटी में नीचे नीचे की तरफ आएंगे तो उसके बीच में जो भी फंस जाएगा उनका डेथ होने का चांस बहुत ज्यादा है एंड इवन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज होता है एंड रोड्स का ब्लॉकेट्स होता है एंड कई सरों का लाइवलीहुड भी इफेक्ट होता है अवलांचेस की वजह से वैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के हिसाब से फेब्रवरी 2021 में चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में जो फ्लैश फ्लड हुआ था वो भी एक अवलांच की वजह से हुआ था देखिए इट वाज ड्यू टू लार्ज मास ऑफ स्नो आइस एंड रॉक अवलांच अलोंग विद हैंगिंग मास ऑफ रॉक क्रैशिंग इन द रोंगढ़ वाली फ्लोर तो रोंती गढ़ वाली फ्लोर में आके गिरा था ये पूरे अवलांच जो है अब दोस्तों फाइनली व्हाट आर द कॉसेस ऑफ अवलांचेस ये थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करते हैं सबसे पहले आप ये फोटो देखिए इसमें लेयर्स ऑफ स्नो को डिवाइड किया है वन एंड टू करके जो वन है ये आउटर लेयर है एंड टू जो है ये इनर लेयर है बेसिकली जो रॉक या मिट्टी से टच में रहता है यह है टू अब एक अवलांच के टाइम पे होता है क्या दोस्तों ये जो आउटर लेयर है ना इसकी टेम्परेचर एकदम गिर जाता है मतलब माइनस टेन डिग्री से माइनस ट्वेंटी डिग्री तक हो जाता है और ये जो इनर लेयर है इसका टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है मतलब इनर लेयर का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है एंड आउटर लेयर का टेम्परेचर एकदम कम रहता है अब हो गया डिफरेंस अब ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा इवापरेशन होगा मतलब ये जो इनर लेयर से आउटर लेयर की तरफ इवॉपरेशन होगा अब ये इवॉपरेशन की वजह से अपर स्नो लेयर्स लूज देयर सपोर्ट एंड बिगिन टू स्लाइड जो अपर स्नो इनका जो सपोर्ट है नीचे की तरफ ये टूट जाएगा इसकी वजह से ये नीचे की तरफ स्लाइड होने लगेगा एंड फाइनली फॉर्म्स। अब दोस्तों इधर स्पीड ऑफ अवलांच एंड स्नो डेंसिटी के बारे में बताया हुआ है सिंपल सी बात है, दोस्तों, का दो के है। एक बीस भी होगा अगर कम स्टीप एरिया में हो रहा है तो स्पीड भी, तो भी उस हिसाब से कम होगा दूसरा यह है दोस्तों स्नो डेंसिटी कितना है सोचिए दोस्तों अगर बहुत ज्यादा स्नो जो है एक साथ स्लाइड हो रहा है नीचे की तरफ तो इसका स्पीड कम होगा अगर कम स्नो है तो भी इसी बात इसका स्पीड भी ज्यादा होगा तो ये दो चीजों के ऊपर है स्पीड ऑफ अवलांचे अब दोस्तों टाइप्स ऑफ अवलाच थ्री टाइप्स ऑफ अवलांचे अवलांच स्नो ट्रफ एंड जम्पिंग देखिए लू स्नो मतलब एंटे सरफस जो है एक साथ नीचे की तरफ आएगा इसे लू स्नो अवलांच बोलते हैं ट्रफ मतलब पूरा नहीं जाएगा एक एरिया बीच में से थोड़ा सा एरिया जब नीचे की तरफ आता है इसे ट्रफ अवलांच बोलते हैं इसका जो रूट होगा वो कई नारो होगा फिर जंपिंग मतलब देखिए दोस्तों इधर से अवलांच होगा सीधा नीचे की तरफ आएगा ये जो बीच वाला एरिया को छोड़ देगा मतलब इधर से पूरा स्नो जो है सीधा सीधा नीचे की तरफ आएगा ये एरिया अनडिस्टर्ब रहेगा इसे जंपिंग अवलांच बोलते हैं मतलब एकदम जंप करके नीचे की तरफ बीच वाले एरिया को छोड़ के अब दोस्तों कुछ और फैक्ट्स हैं पहला स्नो अवलांज मैं इलेवन ट्वेंटी नाइन में ये हुआ था ग्रेट सेंट बेनाड पास इन द स्विस एल्पस में फिर जनवरी 10 1962 में एक ह्यूज अवलांच रिकॉर्ड हुआ था यह कहाँ पे हुआ था पेरू में इस अवलांच की वजह से पेरू का एक एंटर सिटी वाइप आउट हुआ था थाउजेंड मीटर लॉन्ग रस्ट एलोंग एट ए स्पीड ऑफ वन फिफ्टी किलोमीटर पर आवर देखिए इतनी स्पीड में वन फिफ्टी किलोमीटर पर आवर स्पीड में एक अवलांच हुआ था पेरू में और एक सिटी पूरा वाइपोट हुआ था तो दोस्तों दैट एंड ऑफ इट आई होप आपको समझ में आया होगा अवलांच के बारे में एंड वंस अगेन प्रेंग टू गोट फॉर द फैमिलीज ऑफ ब्रेव सोल्जियस जय हिंद